तो अमालिक चौक वाले ने ज़्यादा पैसा दिया और अपना नाम लिखवा लिया। ऐसे जब मेरे पास बहुत पैसा आ जाएगा ना तो ये मैं साला ऐसे मिस्टर प्रेसिडेंट चौक यहाँ लगा के रहूँगा मैं। तुम लोग सपोर्ट करो और साथ दो, ज़रूर करेंगे हम ऐसा, मिल के करेंगे। यस, गुड मॉर्निंग दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से मेरे यूट्यूब चैनल द मिस्टर प्रेसिडेंट में। आज सुबह सुबह के 5 बजे हुए हैं और हम सुबह सुबह निकले हुए हैं कहीं बाहर घूमने, मतलब घूमने नहीं, ऐसा कुछ सोचा था हमने कि कुछ एक्टिविटी करेंगे सुबह सुबह 5 बजे, तो हम निकले हुए हैं, देख रहे हैं कि क्या करेंगे अभी। ये मेरी टीम जा रही है आगे आगे, ये मैं अपनी टीम के पास पहुंच गया। यस, ये लाल टोपी वाला मनीष है, बीच में कैमरामैन निखिल और ये साइड में इसका दीपक। यस, ये हमारे दीपक जी सपोर्ट टीम और रहते हैं अक्सर। तो हम लेट लतीफ़ करके हाईवे तक पहुंच गए हैं। ये हाईवे जा रहा है हमारा, ये शारदा मंदिर स्कूल है, यहाँ पे पढ़ते थे, मैं नहीं पढ़ता था, इसकी ब्रांच थी दूर कहीं वहाँ पे पढ़ते थे, अभी इसकी नई ब्रांच खुली है यहाँ पे। अरे मतलब नई खुली भी है, पुरानी हो गई, मेरे हिसाब से नहीं है क्योंकि मैं नहीं पढ़ता यहाँ पे। तो अभी हम हाईवे पे जा रहे हैं, थोड़ा फिटनेस का ध्यान देते हुए सोचेंगे हम कि वॉक करें कि जॉगिंग करें, वो देखते हैं। अभी हम पहुँच रहे हैं अमौलिक चौक की तरफ। यस, सुबह सुबह महिला शक्ति अपनी स्वास्थ्य पर ध्यान देते हुए और कुछ एक्सरसाइज करते हुए रोड के किनारे पर। जय महिला शक्ति। यस, जय महिला शक्ति। हाँ निखिल, क्या कह रहे हैं आप? ये मंदिर बना हुआ है 5-6 साल पहले, लेकिन इस पे लिख दिया गया है तो प्राचीन मंदिर। ओह सही कह रहे हैं आप, एकदम सही कह रहे हैं, इस पर लिखा है प्राचीन माता का मंदिर। लेकिन एक मिनट दोस्तों, ये बना तो 2-4 साल पहले ही है, तो ये प्राचीन मंदिर हो कैसे सकता है? कुछ तो गड़बड़ है। हमारे देश में कुछ भी होता है, सब चलता है। तो अपने एरिया की मैं आपको एक खास बात बताऊं, हमारा एरिया इतना छोटा सा है ना कि हमारे पास एक पर्सनल नदी भी है। कहाँ? ये रही, ये एकदम मस्त नदी है। मस्त नदी एकदम है, गंगा जमुना यमुना सरस्वती वो हैं, वो देश में हैं, लेकिन इस नदी का कोई मुकाबला ही नहीं है। एकदम मस्त ग्रीन ग्रीन है एकदम नदी। तो ऐसे थोड़ी दूर चलने के बाद मुझे ना इसमें जो नदी थी यहाँ पर, ये नदी है हाँ, तो थोड़ी दूर चलने पर मुझे इसका स्रोत यानी सोर्स पता चल गया है कि किस झरने से बह के ये नदी बन रही है। यस, ये रही। यस, नाइस। तो ये नेचुरल झरना तो नहीं है, ये प्राइवेट झरना है, ऐसा लोगों द्वारा मेहनत से बनाया गया है, मतलब कुछ लोगों ने मेहनत करके इसको ऐसा बनाया है कि ये पानी बाहर आ रहा है, और कुछ लोगों ने मेहनत इतनी करी है कि पानी बहा बहा के कि वो पानी उसमें से निकले, है ना, समझ रहे हो? तो जिस वजह से ये नदी का निर्माण हो गया है, बहुत ही भयंकर नदी है। आप चाहो तो नाव भी यहाँ पर तैरा सकते हैं, इतनी बड़ी नदी है। तो अपने घर से नाव बना के लाइए और यहाँ पर तैराइए, 10-10 रुपये टिकट लीजिए लोगों से, यार मज़ा करिए। नदी तो आप लोगों ने देख ली, नदी के बाद मैं आपको समुंदर दिखाता हूँ कि नदी जहाँ बह के आती है और समुंदर बन जाती है। एकदम दूर दूर तक समुद्र, इंडियन ओशन के बाद ये दूसरा ऐसे इंडियन ओशन लाइट है। ये एकदम रोड के किनारे पर है, तो ऐसे ढूंढने में ज़्यादा दिक्कत नहीं होती समुद्र को। फाइनली हम वहाँ तक पहुँच चुके हैं जहाँ हमारी टीम आज आई थी, जो हमारी टीम का आज का कंटेंट था। तो आज का कंटेंट हम आपको दिखाने जा रहे हैं, देखिए। हाँ, ये यही कंटेंट है आज का। ये कल सोच के आए थे ये जाएंगे और प्रॉपर्टी के बोर्ड के ऊपर चढ़ जाएंगे। ओए नंबर पर कोई कॉल नहीं करेगा इस पर? हाँ मौलिक चौक। अरे यार, इसमें मतलब ऐसे बढ़िया घूम फिर रहा है ये लड़का। आज का यही है हमारी वीडियो का टॉपिक। हाँ हाँ, स्ट्रीट लाइट के ऊपर चढ़ जाना, वो जो ऐसे चल रही है ऐसे। उठा ले चलें बोर्ड को ऐसे, एक साइड से तू पकड़, एक साइड से हम पकड़े और ले चलते हैं। ये लो निखिल भी आ गए। तो आज की वीडियो का जो मेन कंटेंट था ना, मेन एकदम, वो यही था
आज सुबह हम 4-5 बजे उठ के जो आए हैं वो सिर्फ यही करने आए हैं। देखो ऐसे मनीष दोबारा जा रहा है यही काम करने के लिए। यस मनीष, लोगों को कंटेंट पसंद आ रहा है आपका, आप जो इतनी मेहनत से कर रहे हैं ना। यस अच्छा, बीच में से ओपन एबल है क्या? ये रहा मनीष मस्त। अच्छा निखिल भी ट्राई कर रहा है इस साइड से। मनीष दिख रहा है तो दिख रहा है। हाँ गाइस अंधेरे में दिख रहे हो तुम। यस मनीष नाइस व्यू। टाइटैनिक वाला पोज दे मनीष, टाइटैनिक वाला, टाइटैनिक वाला। यस ट्राई टू टाइटैनिक पोज। हाँ अच्छा निखिल भी पीछे है क्या? यस ये बिल्कुल सही चल रहा है तुम्हारा। ले भैया ओम फो, रुक जा मैं फोटो ले लूँ। ये सही है सही है। यस दीपक यहाँ से ट्राई कर रहा है चढ़ने की। यस नाइस। ऐसे कौन उतरेगा? ये चैलेंज कि कौन सबसे ज्यादा देर लग करेगा। मनीष ऐसे सपोर्ट लेने की बात नहीं होगी। मनीष तुम चीटिंग कर रहे हो। ऐसे सपोर्ट, हाँ ऐसे बिना सपोर्ट के। अरे मनीष हार गया। मनीष 10 रुपये देगा तो। अच्छा मैंने ये भी तो बोला था जो हारेगा तो 10 रुपये देगा। ऐसे कौन पहले चढ़ सकता है इसमें? तो चढ़िए। ऐसे दोनों ट्राई कर रहे हैं। ऐसे निखिल तो जीत चुका है पहले ही, मनीष अभी भी लगा हुआ है कोशिश करने में। मनीष हो ही नहीं रहा है, मनीष सर नहीं फुड़ाने की है, मैं बोल दे रहा हूँ। ऐसे जो ऊपर निकलेगा ना बोर्ड पे पहले, अरे यार निखिल जीत गया। मनीष तो यहीं पे पैर दिख रहे हैं उसके अभी तक। ऐसे ही होता है हमारे यहाँ ऐसे ही होता है। आ रहा है ऊपर। अच्छा मनीष तुम हार चुके हो, अब तुम 10 रुपये 10 रुपये 20 रुपये हो गए तुम्हारे, तुम 2 बार हार गए हो। ये हमारे यहाँ के चौक है, अमौलिक चौक। ये पहले ना हमारे ये SRS चौक हुआ करती थी, तो अमौलिक चौक वाले ने ज़्यादा पैसा दिया और अपना नाम लिखवा लिया। ऐसे लोग, ऐसे दोस्तों तुम लोग भी मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो तो मेरे पास ज़्यादा से ज़्यादा पैसा आएगा ना फिर। तो इसमें साला मैं ऐसे मिस्टर प्रेसिडेंट चौक लिखवाऊंगा यहाँ पे विद लोगो। मैं ऐसा आज कसम खाता हूँ, ऐसे जब मेरे पास बहुत पैसा आ जाएगा ना तो ये मैं साला ऐसे मिस्टर प्रेसिडेंट चौक यहाँ लगा के रहूँगा मैं। तुम लोग सपोर्ट करो और साथ दो, ज़रूर करेंगे हम, ऐसा मिल के करेंगे। यस ये हमारी टीम यहाँ भी कुछ सोच रही है, ऐसे खुराफाती सूझ रहा है इनको करने का। मनीष डिप चैलेंज है। यस ये लोग डिप चैलेंज कर रहे हैं, देख रहे हैं। एक दो तीन चार पाँच छ सात आठ नौ 10। मनीष रहने दो, तुम तो 5 ही हुआ है तुम्हारा, 5 तो तुम्हारा आप हुआ है। ऐसे घुटनों पर रेंग के तुम 8 कर रहे हो। ये हमारे टीम मेंबर्स आ रहे हैं, इनको कुछ खुराफाती सूझ रही है। इनका टारगेट है वो खंभे पे लगा हुआ बोर्ड। अब ये 3 लोग हैं, देखते हैं उस बोर्ड तक कैसे पहुंच रहे हैं ये लोग। यस लेट्स सी। हाइट के हिसाब से तो मुश्किल लग रहा है। हाउ विल दे डू इट? ये नहीं पहुंच पाए, ये दूसरा कोई बोर्ड ट्राई करेंगे जो नीचे होगा। मनीष को बोर्ड मिला है जो थोड़ा नीचे है। अब ये लोग ट्राई कर रहे हैं कि आज तो लेके जाएंगे बोर्ड। यस मनीष यू कैन डू इट। तुम पे बोर्ड नहीं निकल रहा है एक, तुम पे क्या ही होगा जीवन में। तो आज के लिए हमने काफ़ी मज़े कर लिए हैं, काफ़ी अच्छी वीडियो बनी है आज की, और मज़े भी किए हैं हमने और मेरी टीम ने। तो आज की वीडियो हम यहीं पर ख़त्म करते हैं। आई होप आपको वीडियो पसंद आ रही होगी। वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए धन्यवाद।